एंड ऐसा कहा जाता है कि जब भी तक शिरडी वाले बाबा आपको बुलाते नहीं, तब तक आप कितना भी चाहो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। शिरडी नगर पंचायत आपका स्वागत करते हुए। सुबह की तगड़ी वाली ट्रैक के बाद इट्स टाइम टू गो शिरडी। ये सेकेंड ब्लॉग बनाया जा रहा है एंड स्पेशली हम लोग शिरडी जाने वाले थे, मगर जो प्लान सडनली हो जाते हैं तो उसी के लिए हम लोग पहले ट्रैक पे गए एंड इट्स टाइम टू गो अहेड। सो उससे पहले वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज सागर योर बॉय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीन्स कुछ ऐसे है कि शिरडी निकलने वाले हैं। राइट नाउ इट्स अ 5 o'clock इन द इवनिंग एंड हल्की सी बारिश हुई है अभी। सो देखते हैं, थोड़ा डाइसी प्लान है कि आगे भी बारिश मिलेगी। सो ट्राई करेंगे कि रेनवेयर लेके जाए, बिकॉज बहुत अच्छा वाला प्लान किया है, एक हफ्ते से प्लानिंग चालू है। सो देखते हैं जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो मिलते हैं आपको डायरेक्टली ऑन अ बाइक। ओम साई राम, साई बाबा की। सो फाइनली वी आर लिविंग टू शिरडी एंड निकलते निकलते 5 बज चुके हैं एंड थोड़ी सी बारिश हुई थी स्टार्टिंग में। सो हमको लगा था कि धुआंधार वाली बारिश हो जाएगी, मगर अच्छा है, मौसम ने भी साथ दिया है। बारिश अभी फ़िलहाल तो नहीं है, स्टिल वी कैरी आवर रेन कोट्स, तो अगर कुछ भी हो जाता है सो वी कैन फाइट दिस सिचुएशन। नासिक सिटी घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है, वेदर चुम्मा वाला हो गया है। फिलहाल हम लोग 2 दिन से है यहाँ पे, वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो चुका है एंड रात में भाई साहब 10 बजे के बाद हल्की हल्की ठंड का एहसास हो जाता है। रात में हम लोग टेरेस पे गए थे एंड ऐसे ही सो के आसमान देख रहे थे। सो जो सुकून मिला है ना, अच्छा सा चांद और चांदनी देखने मिली है, जो चीज़ें अपनी मुंबई में मिस होती है। सो ये सब फीलिंग ही अलग हो जाती है एंड ये वर्ड्स में नहीं बयां कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कल रात में। एज वेल एज बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं नासिक में घूमने के लिए, स्पेशली पंचवटी हो गया, त्र्यंबकेश्वर, 2-3 फोर्ट है एंड अगर आप प्लान कर रहे हो सो यू कैन कम बाय ट्रेन और प्राइवेट कार भी लेके आ सकते हो। अच्छा खासा अगर प्लेसेस एक्सप्लोर करना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप बाय कार आ जाओ या बाइक, दोनों में से जो आपको सही लगे, क्योंकि प्लेसेस थोड़े थोड़े से दूर है एक दूसरे से एंड अगर आप प्राइवेट व्हीकल करोगे यहाँ पे आके तो आई डोंट थिंक सो कि अफोर्डेबल होगी। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बाइक और कार लेके आइए एंड आ रहे हो तो 2-3 दिन के लिए आइए। सुला वाइन्स है, सोमा वाइन्स है, जो पूरे इंडिया में जो वाइन्स मिलती है सुला वाइन्स नाम से, सो वो वाइनरी जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। उसका जो प्रोडक्शन कैसा होता है, कैसे ग्रेप्स को वो लोग पूरा प्रोसेस करके देन वाइन बनाते हैं, तो वो सारी प्रोसेस जो है वो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन की जाती है टोटली एंड 3 से 4 आई गेस वाइन के टेस्टिंग मिल जाती है आपको एंड इफ़ यू वांट टू बाय सो यू कैन बाय फ्रॉम देयर विद अ गुड प्राइस। शिरडी जाएंगे तो एक शिरडी से रिलेटेड एक स्टोरी है, वो थोड़ा मैं हाईवे पे निकल जाऊंगा उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ पे रोड पे कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज लोग कहीं से भी आ जाएंगे या सिग्नल लग जाता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे एंड जैसे ही हाईवे टच हो जाएंगे सो उसके बाद जो स्टोरी है वो आपसे शेयर करेंगे। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो शिरडी का तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सैटरडे संडे आप अवॉइड कीजिएगा। हम लोग ने पहले से ही प्रिपरेशन और प्लानिंग हो गया था एंड लक अच्छा था कि इवनिंग का स्लॉट मिला है, सो दैट माइट बी वहाँ पे लोग कम होंगे इवनिंग में, सो फिंगर क्रॉस, देखते हैं अभी क्या होता है। सबसे मेन चीज़ मैं प्रिंटआउट लेना भूल गया था, जो एंट्री पासिस है उसकी, सो प्रिंटआउट भी ले ली है। केनी का भी अपना आधार कार्ड का प्रिंट नहीं था सो आधार कार्ड भी ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे नितिन है, फुल राइडिंग मोड पे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे रोड पे भी एज वेल एज जो बात मुझे बतानी थी वो शेयर करते हैं। तो बहुत सालों पहले हम लोग ने प्लान किया था विथ फैमिली शिरडी जाएंगे
एंड दो तीन बार ऐसा हुआ है कि प्लान हुआ है कल जाएंगे, मगर उसके पहले ही दिन कुछ ना कुछ इश्यू आया है एंड उसके वजह से हम लोग को प्लान कैंसिल करना पड़ा है। सो दो तीन बार ऐसा हो चुका है कि प्लान किया है एंड कैंसिल हो चुका था। एंड ऐसा कहा जाता है कि जब भी तक शिरडी वाले बाबा आपको बुलाते नहीं, तब तक आप कितना भी चाहो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। आई डोंट नो कि इतना कितना सच है, मगर जो पब्लिक ने जो फील किया था तो वो मुझे ऐसा पता चला, सो आई एम गोइंग टू शेयर। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी हियर एट शिरडी। हार्डली यहाँ से एक 2 से 3 किलोमीटर पैच बचा है। बहुत ही अच्छा रोड था हाईवे में, मगर जैसे हाईवे से हमने राइट मारा अंदर आने के लिए, तो बहुत सारे पैचेस, खड्डे एंड बहुत सारा रोड थोड़ा ख़राब वाला सिचुएशन हुआ था। मगर ठीक है, ऐसे कैसे तैसे फाइनली वी आर हियर। शिरडी नगर पंचायत आपका स्वागत करते हुए, थैंक यू जी। एंड बहुत टाइम बाद स्ट्रीट लाइट देखने मिली। जैसे ही घर से निकले हमें स्ट्रीट लाइट नसीब नहीं हुई हाईवे को टच करने के बाद, मगर फॉर्चुनेटली यहाँ पे मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। साहब फर्स्ट टाइम आए हैं एंड बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट मुझे दिखने मिल रहा है। सेम फंडा स्टैचू ऑफ यूनिटी के यहाँ पे था, जो अंदर का जो पूरा एटमॉस्फेयर था एंड जो पूरा एरिया था वो बहुत ही अच्छा बनाया था। सेम सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो शिरडी में, स्पेशली आपके पास थोड़ी कॉस्टली बाइक होगी, सो ट्राई कीजिएगा कि साई अमृत करके यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे एक पार्किंग मिल जाएगी आपको, सेफली पार्किंग है, अंदर CCTV लगाए हुए है एंड सिक्योरिटी भी होती है। सो 20 रुपीज़ पर बाइक लिया गया है। सो बाहर रोड्स पे लगाने से अच्छा 20 रुपये जाएगा वो चल जाएगा, बाइक की सेफ्टी भी हो जाएगी और आपका जो ट्रिप है वो स्पॉइल नहीं होगा। ऑलराइट गाइस, सो दर्शन हो चुका है, बहुत ही सिस्टमेटिक सा उन्होंने बनाया था और बहुत जल्दी से हो गया अपना दर्शन। एक हार्डली 10 मिनट में हम लोग बाहर आ गए एंड बहुत ही स्मूदिंग हुआ है। मेरी से ऐसी इच्छा है कि भाई इसके आगे भी वैसा ही रहे, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगा एंड लोगों को भी दर्शन करने मिल जाएगा। सो अभी थोड़ा सा क्या करेंगे कि डिनर के लिए रुकने वाले हैं, सो आपको अभी मिलेंगे डायरेक्टली जब भी हम मुंबई के लिए निकलेंगे तभी। तो टाइम आ चुका है नासिक सिटी को गुड बाय करने का एंड हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे, मुंबई मेरी जान। नासिक का वेदर बहुत ही प्लेजेंट था, लास्ट 2 दिन से हम यहाँ पे थे एंड थोड़ी सी गले में खराश हुई है, माइट बी हम लोग थोड़ा जा रहे थे कल शिरडी में, तो वहाँ पे थोड़ी सी धूल मिट्टी अंदर गई है। सो एक दो दिन थोड़े से तकलीफ़ होगी, उसके बाद सब चंगा सीन हो जाएगा। सो अभी सीन्स कुछ ऐसा है कि क्या करेंगे, कसारा घाट क्रॉस करेंगे एंड कसारा घाट के बाद ट्राई करेंगे कि ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुक जाए एंड धूप के पहले निकलना है, वही प्लान था। क्योंकि अगर धूप एक बार आ गई तो भाई साहब आपको पूरा निचोड़ देगी। एंड ये रोड पूरा स्ट्रेट एंड स्ट्रेट और ये नासिक गार्डन जो बनाया था वो है, आई गेस अभी बंद है फिलहाल तो, मगर बहुत ही अच्छा है। यहाँ के भी सीन्स आपको कभी दिखाएंगे। एक दो प्लेसेस और है नासिक में, वो एक्सप्लोर करना है, सो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सो देखेंगे, अभी थोड़े से दूसरे भी प्लान्स है हमारे, सो बीच में ही कहीं अगर टाइम मिल गया तो नासिक अगेन आएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, 2 दिन का स्टे था एंड वेदर भी बहुत ही प्लेजेंट था। एंड शिरडी की बात स्पेशली करेंगे तो फर्स्ट टाइम मैं गया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एज पर शुभम बहुत सारी भीड़ रहती थी बिफोर द कोविड एंड वो पासेस और ये इसका सीन्स नहीं था, मगर जब से कोविड के बाद टेम्पल स्टार्ट हुए हैं सो आपको भी पता है कि पासेस रिक्वायर्ड
आई गेस पूरे एक घंटे के लिए 150 पीपल्स आर गोइंग इनसाइड इन अ टेम्पल. सो बहुत ही सिस्टमेटिक लगा, बहुत ही सिस्टमेटिक सीन थे. एंड मुझे तो ऐसा लग रहा था स्पेशली कि भाई ऐसा ही रहे हमेशा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ करके भी कोई मतलब नहीं होता है. सो ऐसे ही थोड़ा सिस्टमेटिकली हर एक को अच्छे से दर्शन मिल जाए एंड बस बाकी सब बढ़िया है. सो फाइनली वी आर बैक टू होम सेफ एंड साउंड. एंड सामान आप देख सकते हो थोड़ा बिखरा हुआ है, सो उसको भी ठीक करेंगे. अपडेट देता हूँ, भिवंडी से लेके थाना तक बहुत तगड़ी वाली ट्रैफिक मिली. इट टुक अराउंड 1 आवर टू रीच फ्रॉम भिवंडी टू थाने, मगर ऐसे तैसे कैसे करके हमने मैनेज कर लिया है. राइट नाउ इट्स 2 PM इन द आफ्टरनून एंड 4 बजे मेरा ऑफिस का लॉग इन टाइम है. सो बहुत थक गया था, जस्ट फ्रेश हुआ हूँ नहा के. एंड ये वीडियो यही एंड करते हैं क्योंकि डेटा कॉपी करके देन मुझे मेरे काम जो वर्क है वो स्टार्ट करना है. सो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. अगर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब हो जाइएगा. एंड विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, सायनारा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थोड़ी एनर्जी डाउन है, मैनेज कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाबा क्या. तो कशाला हात कसा दाखवत होता? अरे आम्ही घाबरलो ना.